उत्तर प्रदेश की सरकार के कार्यकाल के अंतिम बजट को सदर सांसद रवि किशन ने काफी उम्दा बजट बताया। पूरे विश्व की नज़र उत्तर प्रदेश के इस बजट पर है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को धन्यवाद देकर कहा कि बजट गरीब मजदूर किसानों के विद्यार्थियों के और युवाओं के हित में है, इससे सभी को लाभ होगा। इस समय सदर सांसद रवि किशन तेलुगु फिल्म की शूटिंग के लिए हैदराबाद में है। आज उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बजट पेश होने के बाद गोरखपुर सदर सांसद रवि किशन ने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ तथा वित्त मंत्री सुरेश खन्ना को धन्यवाद देते हुए सरकार द्वारा पेश बजट को शानदार, अद्भुत और सबका विकास वाला बजट बताया। नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश का आज बजट रहे, पूज्य महाराज जी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के हम दिल से धन्यवाद दें कि अद्भुत शानदार था। इस बजट में गांव, हृदय, गरीब, किसान, गुरबा, महिला, युवा, स्टूडेंट, विद्यार्थी, इंडस्ट्रीज, अपॉर्चुनिटीज, अयोध्या, गोरखपुर के लिए एक्सप्रेस वे, लाइट मेट्रो ट्रेन, एवरीथिंग, जहां बोलिए, एक कहते हैं ना, एक प्रदेश को बड़ा, और इतना बड़ा प्रदेश जो अपने आप में एक देश है, उसको बढ़ाने के लिए इतना सोचा समझा, वेल प्लान्ड बजट। मैं दिल से महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं। क्या सोच, अद्भुत सोच, एंड ये टेक ऑफ होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जो पूरे दुनिया की, पूरे देश की नजर है उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक अलग ऊंचाई पे। महाराज जी, आपके आशीर्वाद से, आपकी लीडरशिप में, यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच को लेकर आप जैसे चल रहे हैं, और उसमें सारे लोग, खासकर किसान भाइयों के लिए, चूंकि मैं किसान का बेटा हूं, ये बहुत शानदार बजट है। मैं समस्त उत्तर प्रदेश के, हमारे गोरखपुर के खास, यहाँ पे इतनी बड़ी सौगात मिला, एक लाइट ट्रेन के हिसाब से पूर्वांचल एक्सप्रेस के उसका बजट जो पारित हुआ, मैं उसके लिए अयोध्या वासियों को, लखनऊ से सब लोगों को, इंटायर उत्तर प्रदेश को मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। शानदार बजट, शानदार।